नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड से हमें इनका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें साइन टू एक्स किससे, किसके डेरिवेटिव से बनता था? ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे कोस टू एक्स लूँ, कोस टू एक्स, और इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस टू एक्स, कोस का क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ टू एक्स। एंड टू एक्स, पहले हमने कोस का लिया है, अब टू एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, टू बन जाएगा। इनको हमें यहाँ पे साइन टू एक्स का चाहिए, तो ये वैल्यू और माइनस इधर हम ले आते हैं, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू एक्स मिल गया हमें। माइनस वन बाय टू अंदर लेके जाएंगे तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव क्या बन जाएगा साइन टू एक्स का, माइनस वन अपॉन टू कॉस ऑफ टू एक्स। मीन्स अगर आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स इज माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स। बहुत आसान सा है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, इसमें भी हमने इंस्पेक्शन से करना, कॉस थ्री एक्स किससे आ सकता है, साइन थ्री एक्स से। तो जब हम साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव लें, डिफ्रेंशिएशन करें, तो क्या बनेगा, कोस ऑफ थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स का क्या हो जाएगा, थ्री। तो कोस थ्री एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन थ्री डेरिवेटिव ऑफ साइन थ्री एक्स। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव, ये एंटी डेरिवेटिव बन गया हमारा, एंटी डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, वन अपॉन थ्री साइन ऑफ थ्री एक्स। ठीक है, बहुत आसान सा है। मीन्स अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या करेंगे हम, कोस थ्री एक्स का, कोस का क्या हो गया, साइन थ्री एक्स, जो भी एक्स के साथ वैल्यू है उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड। यहाँ पे हमें ये पता है साइन, साइन का हमने इंटीग्रेशन क्या किया था, कोस, तो साइन टू एक्स का कोस टू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस कोस टू एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स के साथ जो भी वैल्यू है उसी से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, ई की टू एक्स, ई की टू एक्स का डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो ये बनेगा ई की टू एक्स एंड टू एक्स का इंटू टू। सो ई की टू एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू डेरिवेटिव ऑफ ई की टू एक्स हो गया। सो इसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव जो बनेगा वो क्या बन गया, वन अपॉन टू ई की टू एक्स। मीन्स एक्सपोनेंशियल में हमने क्या करना है, एज इट इज वैल्यू एंड टू एक्स का क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ में हमारे पास है ए एक्स प्लस बी का स्क्वेयर है, स्क्वेयर। तो जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं पावर कम हो जाती है, अगर मैं यहाँ पे थ्री ले लूँ इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं तो ये क्या बनेगा, थ्री पावर नीचे होगी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर टू, ये तो पावर का हुआ अभी तक। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे तो वो क्या आएगा आपका, ए आएगा, बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब ये दोनों वैल्यू इधर जाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वेयर कैन बी रिटन एज वन अपॉन थ्री ए, वन अपॉन थ्री ए इंटू डेरीवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर थ्री। तो एंटी डेरीवेटिव, एंटी डेरीवेटिव क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री इंटू ए। मीन्स हमने क्या करना है, ये जो पावर है, पावर एक इंक्रीज कर देंगे
और जितनी भी पावर आई है उसी से हम डिवाइड कर देंगे, साथ में किससे डिवाइड करेंगे, एक्स के साथ जो भी वैल्यू है उसे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फाइव फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में हमारे पास क्या है, साइन टू एक्स, साइन ऑफ टू एक्स माइनस फोर ई रेज टू पावर थ्री एक्स, ये हम कर चुके हैं। देखिए साइन टू एक्स का हमारे पास क्या आया था, साइन थ्री एक्स का ये वैल्यू आई है, सॉरी साइन टू एक्स की हमारे पास ये आई थी कोस टू एक्स माइनस वन बाई टू, तो ये एंटी डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, एंटी डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये तो इसका हो गया। और साथ में ई की टू एक्स का क्या हुआ था, ई की टू एक्स अपॉन टू, तो यहाँ पे ई की थ्री एक्स का क्या हो जाएगा, ई की थ्री एक्स अपॉन थ्री माइनस फोर साथ में हो जाएगा, फोर ई की थ्री एक्स अपॉन थ्री हो जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।